गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूपाली केसु। कैसे हो आप सब? तो विंटर आ रहा है और स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप सब बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा किस स्किन के टाइप के लिए यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो आज मैं आपके लिए पांच छह ऐसे मॉइस्चराइजर लाई हूँ जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और आपको बहुत अच्छे लगेंगे और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर और आपके फेस को भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे। तो ये सारे मॉइस्चराइजर अंडर 100 रुपीज के हैं। अगर आप बहुत कॉस्टली कॉस्टली मॉइस्चराइजर नहीं लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर एकदम आपके बेस्ट बजट में है, बिगनर्स के लिए है। अगर वो कंफ्यूज है कि उन्हें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, कौन सी स्किन टाइप के लिए, सेंसिटिव या ऑयली या ड्राई, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। डोंट वेस्ट द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहला मॉइस्चराइजर है निविया का मॉइस्चराइजर। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है एंड ये मॉइस्चराइजर मैंने लिया है जस्ट 45 रुपीज का है ये मॉइस्चराइजर, और इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी। ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है मॉइस्चराइजर है, और प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। 45 रुपये में काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी भी मिल जाती है इसकी। फ्रेगरेंस के लिए भी बोलूँ तो बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है इसका और स्किन को बहुत अच्छा स्मूथ रखेगा, काफी लॉन्ग लास्टिंग है, काफी देर तक आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और काफी देर तक मॉइस्चराइज रखेगा। तो इन अगर आप बजट में लेना चाहते हो तो ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है विंटर के लिए। आप इसे समर में भी यूज कर सकते हो, बट अभी विंटर चल रहा है तो ये डेफिनेटली ये मॉइस्चराइजर आप बाय कीजिएगा। तो निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर एंड लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम है, तो आपको बिल्कुल भी हैवी हैवी चिपचिपा नहीं फील होगा, एकदम लाइट एंड स्मूथ स्मूथ लगेगा। ओके, सेकंड मॉइस्चराइजर है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, जो कि काफी फेमस मॉइस्चराइजर। लैक्मे एक अपने में ही बहुत अच्छा ब्रांड है, तो ये मेरा बड़ा पाउच है बट इसका छोटा आपको 45-50 रुपीज का मिल जाएगा। बहुत अच्छा, देख रहे हो मेरा ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है मॉइस्चराइजर। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, मुझे इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही क्रीमी एंड बटरी मॉइस्चराइजर है, और ये ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको ऑयलीनेस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करता। ये एकदम आपको मैट देता है, एकदम आपका ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी आपको ऑयली रेस बिल्कुल नहीं देता। अगर ड्राई स्किन वाले हो तो ये मॉइस्चराइजर आप थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, बट अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो ये मॉइस्चराइजर आप डेफिनेटली बाय कीजिएगा। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, ये बहुत ही क्रीमी है, बटरी है, काफ़ी अच्छे से ये आपके स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन एकदम स्मूथ स्मूथ एंड शाइनी शाइनी लगेगी, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ओके, थर्ड मॉइस्चराइजर है ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर। मुझे इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, तो ये पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्री लाइट मॉइस्चराइजर है और इसका प्राइस है 45 रुपीज़, जस्ट 45 रुपीज़। अब इतने में आप क्या ही लेंगे, तो ओके, ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि एकदम ये आपको इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। वाव, एंड लुक एट द मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा है, एकदम क्रीमी इफेक्ट है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी चिपचिपा टाइप का कुछ लगाया है, बिल्कुल भी आपको चिपचिपा नहीं लगेगा। और इसमें ना आपको थोड़ा सा शाइनी भी देगा, प्रोवाइड करेगा, तो थोड़ा सा आपको लगाने के बाद ना स्किन हल्की सी आपकी शाइन शाइन सी करेगी, जस्ट बिकॉज इसमें आपको दिया है ग्लोइंग स्किन, आपकी स्किन थोड़ा सा ग्लो ग्लो करेगी, शाइन शाइन करेगी, और 45 रुपीज़ में डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। तो ये मॉइस्चराइजर आप ऑयली स्किन वाले हो तो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि विंटर है तो विंटर में आपकी स्किन में हल्की हल्की सी ड्राई होती है, और ड्राई स्किन वाले तो वो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और आपकी स्किन अगर ड्राई है तो उसको नरिश करेगा और स्किन को हाइड्रेटेड करेगा, और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, डेफिनेटली इसको बाय कीजिएगा। ओके, हाँ, फोर्थ मॉइस्चराइजर मैं मोस्ट फेवरेट मेरा मॉइस्चराइजर है ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर है। ये मुझे मिला था 145 रुपीज़ में ऑफर में, ये बड़ा है, इसका छोटू भी आता है आई थिंक, मुझे याद नहीं बट हाँ छोटू भी आता है, और ये है बायोटिक एवोकाडो का मॉइस्चराइजर है और नरिशिंग हाइड्रेटेड मॉइस्चराइजर है। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, आपके स्किन को एकदम विजिबल फ्लॉलेस स्किन देगा, ये बहुत ही स्मूथ स्किन बना देगा आपकी, और स्किन में ना एक अलग ही शाइन प्रोवाइड करेगा ये मॉइस्चराइजर। और ये मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन के लिए विंटर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा एकदम ड्राई हो जाती है, किसी किसी के तो एकदम से वाइट वाइट से कार्ड्स हो जाते हैं क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा
आ जाती है, और विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है जस्ट बिकॉज हम पानी भी बहुत कम पीते हैं, और स्किन ऑलरेडी ड्राई है। तो ये मॉइस्चराइजर आप डेफिनेटली बाय कीजिएगा क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है ही, और ये मॉइस्चराइजर विंटर ड्राई स्किन वालों के लिए इतना बेस्ट है ना, इतना बेस्ट है। अगर आप ये एक बार बाय करोगे तो आप कहोगे कि वाह बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ड्राई स्किन वालों के लिए, तो डेफिनेटली इसको आप बाय कीजिएगा और फिर कहेंगे कि वाह वाह वाह। तो इसके से आपकी स्किन ना बहुत अच्छा एकदम नरिश एकदम स्मूद हो जाती है, एकदम शाइनीनेस प्रोवाइड करती है आपकी स्किन को, और स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी भी नहीं लगती है क्योंकि ड्राई स्किन वाले अक्सर ऑयली मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन चिपचिपी लगती है, बट ये आपको बिल्कुल भी चिपचिपा वाला फील नहीं देगा, एकदम आपकी स्किन को मैट कर देगा बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर। ओके, अगला मॉइस्चराइजर है ये पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर ना खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए है, ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी, ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी ये मॉइस्चराइजर बाय मत कीजिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है, नॉन स्टिकी फ्रेश मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटेड ग्लो इसमें क्लेम किया है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिनके विंटर में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है मेकअप करने पे, तो ये मॉइस्चराइजर वो लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉइस्चराइजर, ये क्वान्टिटी आई थिंक दोनों सेम भी होगी, बट ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये जेल मॉइस्चराइजर है, क्रीमी मॉइस्चराइजर नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वाले ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। तो ओके ओके, नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है जॉय का, जो लोग बहुत महंगे महंगे मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना चाहते कि बहुत ज़रूरी नहीं कि हर कोई 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये का मॉइस्चराइजर यूज़ करे, जो बिगनर्स है जो टीनेजर है उनके पेरेंट्स इतना नहीं अलाउ करते हैं। तो लास्ट मॉइस्चराइजर है जॉय का मॉइस्चराइजर, ये सिर्फ आपको 10 रुपीज़ में मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, एकदम फ्रूटी फ्रूटी क्रीम आएगा, तो ये फ्रूट्स क्रीम है, और इससे आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, हेल्दी लगेगी, इससे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी और बहुत स्मूथ लगेगी, थोड़ा सा ऑयली मॉइस्चराइजर है, तो ड्राई स्किन वाले डेफिनेटली ये मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हैं। 10 रुपीज़ में आपका अच्छे से क्वांटिटी मिल जाएगी, आपका काफ़ी देर तक चल रहेगा ये मॉइस्चराइजर। और ओके, ये आज के 5-6 मॉइस्चराइजर जो आप, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, मेरा फर्स्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर ये है, एंड क्योंकि फॉर ड्राई स्किन वाले लोग के लिए मेरा फर्स्ट फेवरेट है, मेरा सेकंड फेवरेट ये मॉइस्चराइजर है फॉर ऑयली एंड ड्राई दोनों कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ओके, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आपको कौन सी आप मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाइएगा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।